इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन कि एक अल्फा है, अल्फा लिखा हुआ है कॉस 8π/11 प्लस आयोटा साइन 8π/11। अगर आप देखेंगे ये 11th रूट ऑफ यूनिटी से रिलेटेड है एंड वी हैव टू फाइंड द रियल पार्ट ऑफ अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा की पावर 4 प्लस अल्फा टू द पावर 5। अब अगर हम देखें तो जैसे आप nth रूट ऑफ यूनिटी की बात करो, जैसे z की पावर 11 इक्वल्स टू 1 के रूट की बात करो, तो अल्फा उसका एक रूट है। तो अगर आपको उसका एक रूट मिल जाता है तो अल्फा अल्फा की पावर 1, अल्फा अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा टू द पावर 4, अल्फा टू द पावर 5 अप टू अल्फा टू द पावर 11, ये अपने पास 11 रूट ऑफ यूनिटी रहेंगे। ये अपने पास क्या रहेंगे, 11 रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है भैया, ये अपने पास 11 रूट ऑफ यूनिटी रहेंगे एंड वी हैव टू फाइंड द रियल पार्ट ऑफ दिस। अगर अपने को किसी कॉम्प्लेक्स का रियल पार्ट चाहिए, रियल पार्ट ऑफ z, तो रियल पार्ट ऑफ z कैन बी रिटन एज z प्लस z कंजुगेट डिवाइडेड बाय 2। इट मींस रियल पार्ट ऑफ अल्फा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब अप टू अल्फा टू द पावर 5 विल बी अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा 4 प्लस अल्फा 5 प्लस अल्फा का कॉन्जुगेट, अल्फा स्क्वायर का कॉन्जुगेट, अल्फा क्यूब का कॉन्जुगेट, अल्फा की पावर 4 का कॉन्जुगेट, अल्फा की पावर 5 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब आप देखेंगे, क्या देखेंगे, जैसे अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा की पावर 4 प्लस अल्फा की पावर 5। अब जो अपने पास अल्फा कॉन्जुगेट लिखा हुआ है उसको अपन लिख सकते हैं 1/अल्फा, सिंस क्यों, क्योंकि मॉड ऑफ अल्फा कितना रहेगा 1, या मॉड ऑफ अल्फा की पावर एन कितना रहेगा 1, उसको 1/अल्फा स्क्वायर लिखेंगे, 1/अल्फा क्यूब लिखेंगे, 1/अल्फा की पावर 4 लिखेंगे, 1/अल्फा की पावर 5 लिखेंगे। अब ये 1/अल्फा को, इस 1 को तो अल्फा की पावर 11 लिखा जा सकता है क्योंकि अल्फा इज़ द 11th रूट ऑफ यूनिटी, मतलब 11th रूट ऑफ यूनिटी है, तो अल्फा की पावर 11 अपने पास कितना होगा 1। तो अब इसको भी अल्फा स्क्वायर अल्फा की पावर 11, इसको भी अल्फा की पावर 11, इसको भी अल्फा की पावर 11, इसको भी अल्फा, ऐसा लिखने से अपने पास सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा की पावर 4 प्लस अल्फा की पावर 5। अब देखो, अगर इधर लिखेंगे तो अल्फा की पावर 10 आएगा, फिर अल्फा की पावर 8 आएगा प्लस अल्फा की पावर 9 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर अल्फा की पावर 7 आएगा प्लस अल्फा की पावर 6 आएगा। अब आप देखो, अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा 4 अल्फा 5 6 7 8 9 10 एंड वी नो क्या कि अल्फा प्लस सम ऑफ ऑल nth रूट ऑफ यूनिटी, सम ऑफ ऑल nth रूट ऑफ यूनिटी, ये अपने पास 0 होता है। यानी अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब अप टू अल्फा टू द पावर 10 इज माइनस अल्फा की पावर 11, और अल्फा की पावर 11 कितना होता है, यानी ये जो सम अपने पास आने वाला है वो कितना आने वाला है, माइनस 1। और इसको 2 से डिवाइड तो करना ही है, इसको 2 से डिवाइड तो करना ही है, तो इस माइनस 1/2। तो रियल पार्ट ऑफ अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा की पावर 4 प्लस अल्फा की पावर 5 will come out to be माइनस 1/2, जो कि अपने को ऑप्शन बी में गिवन है। देखो, nth रूट ऑफ यूनिटी के फाइंड आउट करते वक्त एक बात हमें याद रखनी है कि अगर आपको एक भी nth रूट ऑफ यूनिटी मिल जाएगा तो उसकी पावर आप बढ़ाते जाएंगे। जैसे ये 11th रूट ऑफ यूनिटी है तो इसकी पावर बढ़ाते जाएंगे, अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा की पावर 4 अप टू अल्फा की पावर 11 इसके रूट रहेंगे। ठीक है।